जयपुर में लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई संगठन की ओर से सिटी पैलेस में एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन के लिए सांसद दिया कुमारी ने सिटी पैलेस में निशुल्क जगह उपलब्ध करवाई है और उद्घाटन समारोह में मेयर सौम्या गुजर सहित कई गणमान्य लोग पहुंचे और लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई संगठन की अध्यक्ष सुनीता शर्मा ने बताया कि लघु उद्योग भारती की ओर से 24, 25 और 26 मार्च को सिटी पैलेस में स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना और वुमेन स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को नमस्कार। 24, 25, 26 मार्च तक यहाँ पर यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे तीन दिन के लिए एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। 9 बजे से 7 बजे तक का इसका टाइम रहेगा। आम जनता के लिए भी खुला हुआ है, सभी लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आ सकते हैं। इसका उद्देश्य है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और इसके लिए प्रिंसेस दिया कुमारी जी ने हमें 3 दिन के लिए स्पेस फ्री में अवेलेबल करवाई है। वो भी चाहती है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का सपना है महिला आत्मनिर्भर बने, इसके लिए उन्होंने ये एग्जीबिशन लघु उद्योग भारती के साथ में मिलकर करवाई है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी स्टॉल्स पे महिलाएं हैं, महिलाओं के द्वारा बनाए हुए सामान का ही प्रदर्शन किया जा रहा है। धन्यवाद। देखिए, ये लघु उद्योग भारती की महिला संगठन के द्वारा स्वयं सिद्धा नाम से यहाँ एग्जीबिशन लगाई गई है और जैसा कि आप नाम सुन रहे स्वयं सिद्धा यानी महिला इकाई और महिलाओं की एग्जीबिशंस है और जो महिलाओं के लिए तो कहा जाता है वो स्वयं सिद्ध है, अपने आप में कैपेबल है समर्थ करने के लिए और इस देश को आगे बढ़ाना है, आगे महिलाओं को आगे बढ़ना है तो आर्थिक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जब महिलाएं आगे बढ़ेगी और इस आज़ादी के अमृतकाल में महिलाएं आगे बढ़कर हमारा भारत देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा और महिलाओं को आर्थिक रूप से जोड़ने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है और ना केवल यहाँ शहरी महिलाएं, ग्रामीण महिलाओं को भी एग्जीबिशंस में मैंने सुझाव दिया कि उनको भी भाग ले और नगर निगम के माध्यम से भी जो स्पेस वगैरह इनको उपलब्ध होने की जो भी आवश्यकता है उसको भी उपलब्ध करवाया जाएगा।